आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड अंतर्गत अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 5 ग्रामों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किए। इनमें ग्राम महामाई, बाबूटोला, बम्हनी, कटामी, मंझुरा शामिल है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लेखनी सोनू चंद्राकर, कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, नगर पालिका परिषद मुंगेली के अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी, मुंगेली मंडी बोर्ड के अध्यक्ष आत्मा सिंह क्षत्रिय, छत्तीसगढ़ मछुआ बोर्ड के सदस्य प्रभु मल्लाह, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अंबिका साहू, वन मंडलाधिकारी गणेश राजन, अपर कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल, प्रतिष्ठित नागरिक सागर सिंह बैस, संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, मुंगेली एसडीएम अमित कुमार सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नागरिकों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने गुंडाधुर, गेंद सिंह, वीर नारायण सिंह जैसे अनेक आदि पुरुषों को नमन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आदिवासी संस्कृति हमारी पहचान है। आदिवासियों का आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा। हमारी सरकार ने आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने, संरक्षित करने का कार्य किया। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के साथ ही हमने आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए कार्य किए। आदिवासी हितों के लिए ऐसे कार्य किए गए जो राज्य बनने के 20 वर्षों में नहीं हुए। हमारी सरकार ने पैसा कानून को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाए और ये खुशी की बात है कि 8 अगस्त को इसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में हो गया। ये कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।